वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं पंकज और साथियों आज की इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा इंडियन नेवी MR 2020 की जो फॉर्म भरे गए हैं उनकी आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, बेस्ट बुक्स आप कौन कौन सी परचेज आपको करनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली मुझे पता है क्योंकि मैंने यूज किए हैं काफ़ी बुक्स और उन सभी का एनालाइज करने के बाद आपके लिए वो बुक्स मैं लेके आया हूँ। ठीक है, साथ ही साथ तैयारी कैसे करनी है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैथ के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेवी MR 2020 की जो वैकेंसी आई है, चाहे MR की कोई से भी बैच की वैकेंसी हो, सभी 10th स्टैंडर्ड होते हैं, यानी 10वीं पास आपकी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इंडियन नेवी MR के लिए। ठीक है, के बाद हम बात करें तो आपके 50 क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं इंडियन नेवी के MR के अंदर, जिसके लिए 30 मिनट का टाइम आपके लिए दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर को दो पार्टों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से आपका एक पार्ट मैथ एंड साइंस का होगा और दूसरा पार्ट आपका जनरल नॉलेज का होगा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं आपके आगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, तो साथियों अब यहाँ पर हम मैथ एंड साइंस वाले पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले उसके अंदर मैथ की बात कर लेते हैं, मैथ और साइंस के अंदर से। तो मैथ का साथियों आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन हैं उठाए जाते हैं MR के अंदर, जो मैथ वाला सेक्शन है उसके अंदर से। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आपके मैथ के अंदर से आते हैं। इसके बाद बात करें हम साइंस बैकग्राउंड वालों की, यानी अब साइंस वाला पार्ट की हम बात करते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स के पास साइंस थी 12th में, क्योंकि साथियों 10वीं आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद आप 11वीं में हो या 12वीं में हो आप अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, यदि आपके पास 12th में साइंस थी यानी साइंस से बैकग्राउंड है आपका, तो आपको फोकस करना है बायोलॉजी के ऊपर, क्योंकि बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा होगा, यदि नहीं है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करें आर्ट्स बैकग्राउंड वालों की, तो साथियों आर्ट्स बैकग्राउंड से अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पर ही ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर से भी यदि मैं बताना चाहूँ कि किस पार्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो आपको फिजिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि फिजिक्स से आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वहीं बायोलॉजी के अंदर भी और केमिस्ट्री के अंदर भी समान सा रेशियो ही रहता है। इसके बाद बात करें हम आपके GK के अंदर साथियों, तो GK की हम बात करते हैं क्योंकि हमारा ए पार्ट है जो ख़त्म हो चुका है मैथ एंड साइंस वाला। अब बी पार्ट के अंदर आपके किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं साथियों, ध्यान रखिए 30 मिनट का टाइम होता है। तो साथियों GK के अंदर आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं, जैसे इसरो का पूछ लिया आपको फुल फॉर्म, नासा का पूछ लिया आपसे फुल फॉर्म, और इसी तरीके से आपको जो भी है फुल फॉर्म उन सभी को आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, क्योंकि पोल पम्प से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन का वैल्यू क्या होता है आपको पता ही होगा। ठीक है, तो साथियों अब यहाँ पर बात करें 1 से 2 क्वेश्चन आपके देश विदेश और मुद्रा से पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करें आपके 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में आपको ध्यान रखना है कि अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो किधर जा रहे हैं और कौन सी देश की वार्ता किस देश से चल रही है, कहाँ पर कौन सा युद्ध अभ्यास चल रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं, जो कि आपके डिफेंस से रिलेटेड होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर का भी लिया जा सकता है। इसके बाद साथियों यहाँ पर बात करें 1 से 2 क्वेश्चन आपके डांस से पूछे जाते हैं, किस राज्य का कौन सा डांस है, पंजाब का कौन सा डांस है, राजस्थान का कौन सा डांस है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, तो आपको जितने भी अपने इंडिया के अंदर राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उन सभी के नृत्य को भी पढ़ना है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन मात्र पूछा जाता है आपके लिए, बता दूँ मैं। इसके बाद हम बात करते हैं 2 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से पूछे जाते हैं, यानी भाषा से पूछे जाते हैं, यहाँ पर शॉर्ट में मैंने LG लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर भाषा से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लिए, बता दूँ कि जैसे राजस्थान की कौन सी भाषा है, पंजाब की कौन सी भाषा है, नागालैंड की कौन सी भाषा है, तो नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि नेवी के अंदर बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे स्टेट वाइज भाषा भी पूछा जाएगी, समझ गए। इसके बाद बात करें 1 से 2 क्वेश्चन अब आपके CM से पूछे जाएंगे। ठीक है, कि साथियों अपने किस स्टेट का कौन सा CM है, राजस्थान का CM कौन है,
झारखंड का कौन है, हरियाणा का कौन है, बिहार का कौन है, इस तरीके से आपके सीएम है जो पूछे जाते हैं। साथियों यहाँ पर बात करें, 2 से 3 क्वेश्चन आपके फॉरेन कंट्री से पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे अमेरिका ले लो आप, चीन ले लो आप, रूस ले लो, चिली ले लो, ठीक है। इस तरीके से आपकी इनकी या तो मुद्रा पूछ लेगा, या फिर राजधानी पूछ लेगा, या फिर लैंग्वेज पूछ लेगा, या फिर यहाँ का डांस पूछ लेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके फॉरेन कंट्री से पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें, 2 से 3 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनमें आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझ गए। इसके बाद बात करें, यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स के अंदर ही ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि साथियों किस खेल के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे फुटबॉल के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल के अंदर कितने होते हैं, क्रिकेट के अंदर कितने होते हैं, पोलो के अंदर कितने होते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बस बात करें तो कभी कभी क्वेश्चन आपका लैग से भी पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी लैग है, झारखंड के अंदर कौन सी है, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। पर बात करें, कभी कभी क्वेश्चन आपका वन्य अभ्यारण्य से भी बन जाता है कि कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर स्थित है और इसकी क्या विशेषता है। तो इस तरीके से आपके अभ्यारण्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल बात करें साथियों, यहाँ पर स्टेट वाइज जीके आपकी काफ़ी है जो पूछी जाती है, यानी स्टेट वाइज जीके आपकी अच्छी पूछ ली जाती है इस एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो साथियों ये आपका हो गया पूरा सिलेबस, और थोड़ा आपका जो सिलेबस दिया हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है। तो इस तरीके से मैंने बताया कि इन सभी टॉपिक्स को आपको करना है जिससे कि आपके अच्छे खासे नंबर है गेन कर सकूँ, ठीक है। तो साथियों ये आपकी फुल प्लानिंग हो गई कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और इसके बाद बात करें साथियों, आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, तो साथियों बुक के लिए मैं बिल्कुल प्रेफर आपको नहीं करूँगा, लेकिन यदि आपको बुक खरीदना है तो अरिहंत का खरीद लो या फिर कोई और खरीद लो, ठीक है। बाकी एचके की बात करूं मैं, तो एचके की बुक ज़्यादा सही नहीं है, उसके अंदर काफ़ी मिस्टेक्स देखने को मिली हैं, क्योंकि मैंने एचके की बुक को स्वयं से पढ़ा है, अरिहंत को भी स्वयं से ही पढ़ा है, लेकिन अरिहंत में एचके की बजाय अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अरिहंत की ले सकते हो या फिर कोई और ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वरना आपको जो भी बुक मिलती है वो पढ़िए और बस पढ़ते ही रहिए, और एग्जाम तक पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे को यही बताना था कि दोस्तों किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। और साथियों किस तरीके से कौन कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैंने अच्छी तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जैसी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले, ठीक है। ऐसी ही वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर काफ़ी मिल जाएंगी। कुछ वीडियोज़ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हो। साथ ही साथ चैनल पर विजिट ऑन करिएगा, वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, काफ़ी वीडियोज़ आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हैं। एक बार आप चैनल पर विजिट ऑन करके ज़रूर से देखें यदि मेरी मानते हो तो, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है साथियों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।